एक लेख है जी जितेंद्र कौर तूर ये पत्रकार ने इन्होंने मैगजीन दे विच एक लेख जिहड़ा छापिया है ते उसका टाइटल है जी वाई डिड द एम एच ए डेजिग्नेट गुरपतवंत सिंह पन्नू आ खालिस्तानी विद द टाइटल फॉलोइंग अ टैरोरिस्ट। सो पंजाबी बड़ी सिंपल है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू हुणा नूं टैरोरिस्ट क्यों लान्या गया है, इस ते गलबात की है। तो गलबात भी की गई है जिन्हें पंजाब दे विच जां भारत दे विच खालिस्तान नूं रिप्रजेंट करन वाले उगे आगू ने जिन्हां ने लम्मा समा पंजाब दे विच इस आजादी के संघर्ष की बागदौड़ संभाली हुई सी, लम्मा समा संघर्ष का काम किया। असी बिल्कुल जाणांगे जी ये मैगजीन दे, मैं थोड़े जे तत्थ दस दिना है भी की कहा गया है। मैगजीन का यह दावा है कि सिख फॉर जस्टिस की कोई भी पुश्त पनाई नहीं है, लोग ये जुड़े नहीं हुए, नौजवान जड़े ने इन की गल नहीं सुनते, तो फिर इनू बैन क्यों किया गया है? सवाल तो वधिया है पर कई बार होंगे कि जोड़ा जहर है वह गुड़ के लपेट के दिता जाता है कि पता ना लगे भी असलीयत की है। एक बन्ने डरावा दिता जा रहा है तो दूसरे बन्ने सवाल है पत्रकार वागू किए जा रहे हैं। सो इन गलों को असी बाबा जग सिंह जी को जाना है ते नाल दी नाल ओ सवाल जिहड़े कीते गए ने सारे दे सारे खालिस्तानी धिरां नूं रिप्रजेंट करन वाले लोकां कोलों कीते गए ने। पर यह आर्टिकल बहुत लंबा आर्टिकल है जी, सारा पढ़न तो बाद एक तत्थ सामने आया कि जिस जथेबंदी दे बारे जां जिन्हां वीरां दे बारे ये लेख लिखिया गया है उन्हां दा एक भी शब्द इहदे विच नहीं मिलिया। कि विदेशों के जो भी तुसी आर्टिकल देखते हो या कोई न्यूज़ देखते हो तो दोनों तरह का पक्ष लिखा जाता, क्योंकि न्यूज़ जी होंगी इंडिपेंडेंट होंगी है, उन्होंने दोनों तरह को विचार लेने होंगे भी तुहाडे की विचार ने इन्हें की है। फैसला जिहड़ा लोगों ने करना होंदा है ना, तो इत्थे सिख फॉर जस्टिस का कोई पक्ष दिखाया है ना सिख फॉर जस्टिस के किसी नुमाइंदे का पक्ष दिखाया है। पर एक गल जी साफ हो चुकी है कि सिख फॉर जस्टिस जी टैररिस्ट है, ये नौजवानों को भड़का रही है, ये नौजवानों को बरगला रही है, ये गल्लां जिहड़ियां उह लिख दित्तियां गईयां ने। सो ये भी एक भारतीय उस मीडिया की एक न्यूज़ बन गई है जिन्हों असी 144 तो 170 रेटिंग दिंदे आ। सो आओ बाबा जग सिंह जी को जानदे आ कि की है ये आर्टिकल कारवा मैगजीन डॉट इन दा। देखो पहला तो आप एक गल देखिए भी जदों नसल कुशी किसी कौम की होंगी है तो वह नसल कुशी करने लई जिहड़े लोग बंदे सड़कां ते जा के जदों उह जनोसाइड करते हैं तो उन्होंने एक तो हाथ चाहिए होंगे, एक चाहिए होंगे तेल जी, एक नाल होंगे उन्होंने तैयार करना जी। तुम ये काम करो जो जहदियों की नसलकुशी हुई आ तो जहदियों ने वह एस एस के जनरल जेड़े भावें अर्जेंटीना बैठा होने चक के लिया के उन्होंने सजा याफ्ता कराया, पर एक चीज वो मिस कर गए जी, वो कर गए ये उन्होंने जर्मन के लोगों को जहदियों के खिलाफ भड़काने वाला वो रेडियो होस्ट, जहदियों के खिलाफ जर्मन के लोगों को भड़काने वाले वह अखबारों के पत्रकार जड़े ने ना जी, उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं जे किया, क्योंकि असल दे विच जे एक बंद जहदियों की नसलकुशी हुई है तो 6 साल का एक प्रोपेगेंडा उस तो पहला हिटलर के रेडियोज ने हिटलर के अखबार ने पद्धर से किया है, लोगों को मानसिक तौर पर तैयार किया है जिहड़े जहादी ने यह माड़े ने। इस दे विच पंजाब दे वक वक जिहड़े राजनीतिक धिरां ने खालिस्तान नूं रिप्रजेंट करन वालियां उन्हां दे विचार जिहड़े लिखे गए ने, असीं एज इट ही उह विचार जिहड़े आ उह सुणावांगे तुहानूं जी बाबा जग सिंह। सो जिद्दां मैं पहलां गल्लबात कीती सी कि उह आपणा उन्हां दी उत्थे अखबारां वाले जां रेडियो होस्ट जिन्हां ने जर्मन दे लोकां नूं तैयार कीता 6 साल ला के जिद्दां अज्ज जगबाणी करदा है जी, कोई सिख फड़िया जांदा उहनूं कहिंदे ने जी अत्तवादी फड़िया गया है ना, अजे बंदा उस तो बाद वो बंदे छुट भी जाते हैं, बंदे बरी भी हो जाते हैं, बंदे को कुछ लगता भी नहीं,
पर लोगों अज का भी मीडिया भावें पत्रकारी जगबाणी करे ज होर चैनल कर लोगों इंडियन पक्षों प्यार करते पे अतवादी मारना जरूरी है जी वो प्यार करते पर जो सा दसना चाहते हैं जिते नाजी के खिलाफ रैलियां ने जोधिया ने उन्होंने फट फट के सजावं दतियां तो उदो जो साडा राज आया तो जेडे अज के मीडिया अज का यह पत्रकार जोड़ा लोगों बेसलैस एलीगेशन ला के अतवादी बना आर्टिकल बीबी का लिखा आ विल बी हेल्ड अकाउंटेबल इन द कोर्ट इन्हों कोर्ट उदो अकाउंटेबल किया जाऊगा भी तुमने वो ग्राउंड तैयार कर सरकार की मदद की जिसे नस्लकुशी लोगों की करनी बड़ी सौखी होंगी है लोगों को प्रिपेयर करके मजोरिटी मिनोरिटी के खिलाफ नस्लकुशी करवाने वास्ते पहला एक पीरियड होंगे जिसे लोगों को तैयार किया जाता खबर करके टीवी रेडियो होस्ट ताई आर्टिकल ताई जी ये तो अतवादी है सो अज की जी कारावान की यह न्यूज आपने ये अपना कोई प्रतिक्रम नहीं देना जी क्योंकि आपने सिर्फ वो पढ़ के सिंह दसना भी ये की कारावान मैगजीन ने लिखा आ खालिस्तानी धराने ये अपने प्रतिक्रम दते ने सो उन्होंने जी हैडलाइनज है वही स्टार्ट होंगी है भी वाई डेड जी वाई डेड एम एच ए डेजिग्नेट गुरपतवंत पन्नू आ खालिस्तान विद लिटल फॉलोइंग उस तो बाद तीन चार महीने पहला 13 बंदियां अतवादी ऐलाना जाता जी चो चार मुसलमान ने 9 सिख ने 9 सिखा च एक गुरपतवंत पन्नू आ वो कहते भी यह एडा वड्डा कोई थ्रैट नहीं है जिन्ना वड्डा इंडिया थ्रैट समझ रहा है जी तो एक पासे तो वो ट्राई करते पे ने भी जी कंपेन आ जी लोगों को लगता है भी इस कंपेन तो आजादी की खुशबू आती है पंजाब के लोगों भी इस कंपेन के आजादी का कोई राह दिखता पे उन्होंने खत्म करने वास्ते उन्होंने कहा जी का मतलब अतवादी तो लानिया गया है ना भी ये भी कोई इन्ना वड्डा भी कोई अतवादी नहीं फिर तो थोड़ा मीडिया तुसी सरकार नूं पुछो जाके भी भाई तुसी ऐलाने क्यों जे एडा वड्डा नहीं हैगा जे पत्रकारां नूं पता आ सो ओ कहिंदे उस तों बाद अखबार दा मन्नणा आ जिहड़ी एसएफजी दी कंपनियां ने भावें अरदास करन दी कंपेन होवे जां गजराउण दी कंपेन होवे इस आल मीडिया स्टंट आ ते मीडिया स्टंट दे लई इह कंपेन कर रहे ते जे मीडिया स्टंट होवे ते फिर तुसी अपना पूरा अमला चक अतवादी क्यों लाने फिर अमरीका को कनेडा को करन गए ਬਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿਓ ਯੂਕੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪੇਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਸਲੈਸ ਨੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਟੰਟ ਆ ਐਂਡ ਵਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਆਸਕ ਦੈਮ ਟੂ ਨਾਟ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੋਕ ਜੀ ਜੇ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਸਟੰਟ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਸੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਸਟੰਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪ ਝੂਠੇ ਪੈਂਦੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਵੇਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਓ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਓ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕਲਮਾ ਫੜੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾ ਚੱਕੋ
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਕਰਮ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੁੱਧਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੱਖ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬਦਵੰਤ ਪੰਨੂ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਮੈਰੀਕਨ ਦਾ ਵਾਈਕ ਪੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਗੂਗਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 800 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਪੀਟੋ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ